आपको आपको गर्म नहीं लगता क्या? हम लोग घर से निकलने वाले हैं और अर्पित जी भी जा रहे हैं और ये भैया हैं, निकल गए हाईवे पे चढ़ेंगे बस। वहाँ से निकलने के बाद हम सीधा यहाँ पे पहुँचे। ये रास्ते में ही ये मालपुआ बनाते हैं। इधर से जाते टाइम भी हम खाए थे लेकिन वीडियो नहीं बना पाए थे, उधर से आते टाइम ये मिल गए हमें। सुबह सुबह 7 बजे पहुँचे थे तो ये बनाने में लगे पड़े थे। ये मालपुआ दोस्तों आटा का बनता है और आटा को काफ़ी देर तक गूंदना पड़ता है, काफ़ी मेहनत वाला काम है ये। पानी डालते जाओ, गूंदते जाओ, उसका कंसिस्टेंसी देखते हैं कि हाँ कितना पतला है और कितना पतला होना चाहिए। ये देखिए काफ़ी मेहनत लगता है ये। और फिर देखिए गिराते हैं एकाएक, तुरंत गिरा देंगे तो ये फैलेगा और धीरे धीरे गिराएंगे तो वो गांठ सा बन जाएगा, गोल बन जाएगा। काफ़ी देर तक इन्होंने हल्के आंच पे इसको पकाया और जला भी नहीं, काफ़ी अच्छे से पक गया था ये देखिए। और ये गरम तेल को हाथ से छू रहे थे, मैंने पूछा कि ये बदलता नहीं है क्या? आपको कह रहे हैं कि हो जाता है, बस आग लगी पड़ी है। ये देखिए गरम तेल में ये भैया हमारे तेल को हाथों से छू रहे हैं। अब यहाँ पे आ गई थी बारी मालपुआ को खाने की। थोड़ा पानी टपक रहा था क्योंकि हमने पहले भी खा रखा था इसको और काफ़ी अच्छा स्वाद है। मीठा मीठा और सब्जी के साथ देते हैं तो मीठा तीखा दोनों का स्वाद मज़ा आ जाता है खाने में। तो देख लिया ये मालपुआ कैसे बनता है, काफ़ी बनाने का टेक्निक भी काफ़ी अच्छा है। और अब यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं मालपुआ। मालपुआ कल भी खा के गए थे हम, ये मालपुआ कल सुबह भी खाए थे और आज सुबह भी खा रहे हैं।